8 मार्च अर्थात महिला दिवस। 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। महिला अर्थात नारी ये कोई शब्द नहीं है, ये एक सम्माननीय पद है जिसे देवत्व प्राप्त है। तभी तो महिलाओं की तुलना देवी देवताओं से की जाती है। आज जब भी हमारे घर में लड़कियों का जन्म होता है तो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और तो और हमारे शास्त्र में ये भी वर्णित है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। आज हमारे समाज में नारियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला ने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया है, जिसका जीवंत परिणाम यह हुआ है कि एक महान संत, परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्हें एक महिला के झूठे आरोप में जेल में रखा गया है, ये समाज की कितनी बड़ी विडंबना है। आज एक महिला की वजह से संपूर्ण विश्व परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू के सानिध्य से वंचित है, जिन्होंने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किया है और अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी को सुसंस्कार दिए, न जाने कितने गुरुकुलों का निर्माण करवाया, और तो और संयम, सदाचार, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया। बापूजी ने संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहा। उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक ही मंत्र दिया है, सबका मंगल सबका भला। अर्थात सबका मंगल और सबका भला चाहने वाले ऐसे महान संत को आज एक झूठे आरोप में जेल में रखा गया है। ये समाज की कितनी बड़ी विडंबना है, जहाँ एक और मदालसा, सती अनसुईया, सीता माता, झांसी की रानी ऐसी महिलाओं ने महिलाओं के स्थान में 4 चांद लगाया है। जो ऐसी नारियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया है, क्या वो भी हमारे इतिहास में कलंकित बनना चाहती हैं? ये तो गलत होगा ना, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान वैदिक काल से होता आया है। भले ही उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति चरमरा गई थी, परंतु संत श्री आशाराम जी ने महिलाओं का सम्मान, लड़कियों में शिक्षा, सुव्यवस्था का प्रचार किया। ऐसे महान संत को एक महिला के झूठे आरोप की वजह से जेल में रखा गया है। तो मेरी भारत सरकार से ये अपील है कि परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू को रिहा किया जाए। बापू जी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। किसी एक महिला के झूठे आरोप से उन्हें दोषी घोषित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये हमारे शास्त्र, हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा देश अर्थात हमारा भारत भूमि, जिसे हम भारत माता कहकर पुकारते हैं, और भारत माता अर्थात भारत देश संत महात्माओं का देश है। ऐसे संत महात्माओं के देश में संतों के प्रति ये अत्याचार नहीं तो और क्या है। इतिहास गवाह है कि शुरू से ही, प्रारंभ से ही संतों के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है। गुरु नानक, कबीर, महावीर ये इसके जीवंत उदाहरण हैं। और तो और वर्तमान में हमारे परम पूजनीय संत श्री आशाराम जी बापू, जो कि ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन्हें भी इस अत्याचार से अछूता नहीं रखा गया। तो मैं सरकार से बारंबार यही अपील करूंगी कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें रिहा कर दीजिए।